तो जो सपना देखा था वो हकीकत बनने जा रहा था, तो नर्वसनेस बनती थी। जो रियल बोन होती है बॉडी की, स्कल हो गया, ह्यूमरस, फीमर, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो हम लोग दिखते ही नहीं थे टीचर के आंखों में। टीचर बेचारा ऐसे देख रहा था, तो मतलब टीचर बोल भी रहा है कि बेटा आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको। Welcome back to my YouTube channel. This is Shubham and today I'll be discussing about my 2 year journey as an MBBS student. So this video will be a chit chat kind of a video in which I'll be discussing about my first year journey and second year journey. So let's begin. I still remember my first day of college. It was 14th of March 2022, our orientation day. On that day I was so happy, so excited, but a bit nervous too, because for the first time I was entering into a medical college professionally as an MBBS student. तो जो सपना देखा था वो हकीकत बनने जा रहा था, तो नर्वसनेस बनती थी। और कॉलेज जाने से एक दिन पहले हमें हमारे जो सीनियर्स थे, इमीडिएट सीनियर्स थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको फॉर्मल ड्रेसेस में जाना है और आपको लाइन बना के जाना होगा और आपको जो भी सीनियर मिलेगा आपको उसे विश करना है। तो हमने उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपरली थॉरली फॉलो किया एंड वी एंटर्ड आवर मेडिकल कॉलेज। उस दिन हम लोगों ने वाइट एप्रन्स पहने थे फॉर द फर्स्ट टाइम और स्टेथोस्कोप लगाया एंड वी क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड सेल्फीज विच वी पोस्टेड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और जो एक रिचुअल हर मेडिकल स्टूडेंट करता ही करता है, दैट इज़ अपने इंस्टा के बायो में जाके #MBBS लिखना, और वो लिखने के बाद जो प्राउड फील होता है, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल, आई कैंट इवन एक्सप्लेन। और मैंने भी वो किया एज यूजुअल। उसके बाद मुझे लगता है जितना एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट अपने आप को डॉक्टर समझता है, उतना एक डॉक्टर भी अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता होगा, एंड दैट्स फॉर रियल। ओरिएंटेशन डे के दिन हमें हमारे फर्स्ट ईयर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि थे एनाटॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमने वहाँ पे अपने आप को भी इंट्रोड्यूस किया और हमने वहाँ अपने फेलो बैचमेट्स को देखा एंड गॉट टू नो कि ओके नाउ दीज आर द पीपल वी आर गोइंग टू सर्वाइव आवर नेक्स्ट 5.5 ईयर्स। उसके बाद हमारा जो बैच था वो 2021 बैच था, तो हमारे बैच को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, दैट वॉज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सो आई वॉज इन ग्रुप सी, तो उस दिन हमारा प्रैक्टिकल था, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, तो हमें बायोकेमिस्ट्री लैब लिया गया। तो वहाँ हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे बायोकेम लैब में वो देखे एंड अंदर से बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि ओके नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स और हम अब ये प्रैक्टिकल करेंगे, मज़ा आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फर्दर हमारी फर्स्ट ईयर MBBS की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम डाइसेक्शन हॉल जाते थे, हमने फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव कैडेवर को देखा, वहाँ डिफरेंट जो ऑर्गन्स थे वो पहली बार देखे, वहाँ पे फॉर्मलिन सॉल्यूशन की जो स्मेल थी उसको महसूस किया, जो लाइव ऑर्गन्स थे हमने उनको अपने हाथों में उठाया और हमने उनकी एनाटॉमी पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनके फिजियो के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो बेसिक एथिक्स होते हैं ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशन के, वो भी हमने अच्छे से पढ़े। हमारी फिजियो में हमने जो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस थे हमने वो सीखे, हमारी जो ग्रुप स्टडीज़ होती थी अपने फ्रेंड्स के साथ हमने की, बहुत मज़ा आता था। ये सब जो ग्रुप स्टडीज़ होती थी ना, सबसे ज़्यादा मज़ा ग्रुप स्टडीज़ में होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर की। जो एनाटॉमी होती थी, जो बोन्स हम करते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइव बोन हमने फर्स्ट ईयर में बोन्स के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे से, जो रियल बोन होती है बॉडी की, स्कल हो गया, ह्यूमरस, फीमर, उनके बारे में पढ़ा, उनको हाथ में उठाया। और उसके बाद ये सब चीज़ें करने में हमें काफ़ी ना इंटरेस्टिंग भी लगती थी, लेकिन फिर जब वाइवा होता है तब डर भी लगता था। मैं आपके साथ अपने ऑडिटोरियम का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। तो जो फर्स्ट ईयर में हमारी यूजुअली क्लासेस होती थी वो ऑडिटोरियम में हुआ करती थी, तो हमारी क्लास के बच्चे भी काफ़ी खुराफाती माइंड के थे, तो उनका ऐसा कहना था कि टीचर जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें टीचर की आंखों में नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज अगर हमने टीचर की आंखों में देख लिया तो टीचर हमें ही उठाएगा। तो जब भी कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछता था, हम कभी भी टीचर की आंखों में नहीं देखते थे, ना ही हम कोई आई कांटेक्ट मेंटेन करते थे दूर दूर तक। जैसे टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता था, कोई इधर देखता था, कोई उधर देखता था, लेकिन टीचर की आंखों में कोई नहीं देखता था, क्योंकि सबको डर था कहीं उन्हें ना उठा ले, तो हम लोग देखते ही नहीं थे टीचर की आंखों में। टीचर बेचारा ऐसे देख रहा होता था, तो मतलब टीचर बोल भी रहा है कि बेटा आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको, और जो सामने वाला स्टूडेंट है वो ऐसे शायद मेरे को नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे साइड वालों को बोल रहा है, तो ऐसे होता था।
उसके बाद हमने काफ़ी सारी प्रॉक्सीज की फर्स्ट ईयर में, करवाई भी हैं, हमेशा नहीं बट कभी कभी की है. उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमारे सेंडअप्स आ गए. फिर सेंडअप्स में काफ़ी बच्चों को रोका भी था बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टार्टिंग से ही अपनी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी अटेंडेंस पूरी रखनी चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. फिर हमारे थ्योरी एग्जाम्स आ गए थे, फाइनल्स. फाइनल्स जब स्टार्ट हुआ, सबसे खतरनाक टाइम पीरियड हमारा फाइनल्स का ही था. हमारे फाइनल स्टार्ट हुए, उसमें हमने दिन रात पढ़ना शुरू किया. फिर बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है इसलिए क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती है. मुश्किल नहीं है MBBS करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन बहुत सारी चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है एट अ टाइम, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, तो वाइवा में एक्सटर्नल्स आते हैं, तो जब वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट हमें आंसर आना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्योंकि यूजुअली हमारा माइंड थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है. थ्योरी में तो स्टिल हम लिख लेते हैं सोच सोच के, अच्छा हाँ ऐसे है फिर ऐसे, लेकिन वाइवा में हमें ऑन द स्पॉट आंसर आना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है MBBS. अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है MBBS, हर कोई कर सकता है और आराम से कर सकता है अगर आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिनड हो जाता है आराम से. फिर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है. अब हम पहुंचते हैं सेकंड ईयर में. सेकंड ईयर में जब हम पहुंचे तो अब हमारे जो सब्जेक्ट्स थे और डिपार्टमेंट्स थे एज वेल, वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी टू पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में. अब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अबाउट ड्रग्स के बारे में. अब हम ऑर्गन्स की सिर्फ फिजियो ना पढ़ के उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं. माइक्रो में हम बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. अब हमारे प्रोफेसर्स भी चेंज हो चुके हैं और एक न्यू फेज स्टार्ट हो चुका है हमारी लाइफ का. थ्रू आउट सेकेंड ईयर जो सबसे अच्छा टाइम था मेरे लिए वो था पल्स वाला टाइम, जो कि सितंबर में था. तो पल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. पल्स जो है वो एक इवेंट है विच इज़ ऑर्गेनाइज बाई द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ एम्स दिल्ली फॉर द सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री. इसमें वेरियस कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो आते हैं एम्स दिल्ली में और वहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस करते हैं. तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर स्टडीज, दे आर मोर देन दैट. वो बहुत ज़्यादा उनमें क्रिएटिविटी थी, उनमें बहुत सारा टैलेंट भी भरा कूट कूट के भरा हुआ था. वहाँ पे उन्होंने एंकरिंग की, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो नहीं कर सकते थे. और कहीं ना कहीं वो एक भ्रम होता है ना, और वो एक चीज़ है लोगों के अंदर कि जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो MBBS कर रहा है वो पक्का नर्ड ही होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे अब चीज़ें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं. अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं एंड दीज काइंड ऑफ द पीपल आर समवन फ्रॉम होम आई वुड लाइक टू टेक इंस्पिरेशन. मुझे ऐसे लोग काफ़ी इंस्पायर करते हैं जो क्रिएटिव हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल है, जो कुछ करना चाहते हैं और जो सिर्फ एक चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है लाइफ में. तो हमारा पल्स में मैंने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी की, बहुत अच्छा टाइम था वो. उसके बाद हमारा पल्स ख़त्म हुआ, फिर हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी शुरू हो गए, फिर हमारे सेंडअप्स हुए, फाइनल्स हुए एंड फाइनली इट केम टू एन एंड और हमारा सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो गया. इस तरीके से मेरे फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जर्नी ख़त्म होती है एंड दिस जर्नी वॉज मोर अबाउट द डिस्कवरी, द सेल्फ ग्रोथ, द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस देयर वर मोमेंट्स आई वॉज इन अ सेल्फ डाउट और एग्जॉशन में थी. कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ओके मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं. लेकिन ये सब कुछ ना, ये इसका खेल है और कुछ नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, वो दो चीज़ें होती है ना, एक कि मैं काफ़ी अकेला हूँ और दूसरा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ. तो ये जो दूसरी वाली चीज़ है ना, ये अपने दिमाग में रखनी है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, फिर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमेशा पॉजिटिव रहना और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी लाइफ में फेजेस आएंगे, अच्छे बुरे फेजेस कुछ भी, तो ये चीज़ याद रखना कि वक्त है, बीत जाएगा. बी पॉजिटिव अबाउट योर थिंग्स, सच का साथ हमेशा देना. और दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जर्नी. राइट नाउ आई एम एट द मिड पॉइंट ऑफ माई MBBS जर्नी, सो विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर माई अपकमिंग जर्नी दैट इज़ प्री फाइनल एंड फाइनल. आई प्रोमिस कि मैं रेगुलर रहूँगी अपनी वीडियोस को लेकर भी और अपनी पढ़ाई को लेकर भी कंसिस्टेंट रहूँगी. नाउ देर इज़ नो मोर मजाक और नथिंग, आई विल बी सीरियस अबाउट माई स्टडीज़. और दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई जर्नी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और एट द सेम टाइम मैं एक क्वेश्चन है,
मैं जिसका आंसर देना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये कमेंट जो है ये हर वीडियो के नीचे मेरे आता ही आता है, वो ये कि आप अपने रूम टूर कीजिए प्लीज़। तो रूम टूर आई प्रॉमिस मैं पक्का करूँगी, बट उसके लिए यू गाइज हैव टू बी पेशेंट थोड़ा सा, बिकॉज जो मेरे रूममेट्स हैं वो 19 बैच के हैं, तो उनके अभी फाइनल्स चल रहे हैं, फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत सीरियस माहौल है, तो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देम। तो जब उनके एग्जाम्स ख़त्म होंगे आई प्रॉमिस मैं पक्का आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बना के लेके आऊँगी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी आपको रूम टूर। आई प्रॉमिस कि मैं पक्का 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 वाला आपके लिए लाऊंगी। सो तब तक के लिए बी पेशेंट, एंड तब तक आप बाकी मेरी वीडियोस एंजॉय कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।